नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं कोई भी नई जानकारी नहीं देने वाला हूँ। जिसको वीडियो छोड़ करके जाना है वो जा सकता है, लेकिन ये वीडियो सभी TGT और PGT की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं ये ऐसा वीडियो तभी बना रहा हूँ जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही हैं। UP TGT PGT छात्र मत खाओ धोखा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हो, चीज़ों को नहीं समझते हो, तो आपको बिल्कुल ये सब लोग तबाह कर देंगे। परीक्षा एक तो आपके सर पर है, और अगर इस प्रकार की चीजों से भी आप ग्रसित हो, परेशान हो, पीड़ित हो, तो ये आप समझ लीजिए कि आप लक्ष्य से तो बाहर हो ही रहे हो और कहीं ना कहीं अपना पैसा भी गंवा रहे हो। तो इन सब चीजों से आपको बच कर रहना होगा। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेने वाला हूं। मैंने आज तक भी किसी चैनल का नाम नहीं लिया है, किसी चैनल को डायरेक्ट मैंने ब्लेम भी नहीं किया है, क्योंकि हर कोई अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन अब ये चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं, और ये आज से नहीं, पिछले 10-15 दिनों से मुझे इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि एक दो छात्र का मामला होगा तो मैं उसे पर्सनली भी समझा सकता हूं। लेकिन अब ये चीजें काफी हद तक, मतलब एक बड़े तादाद पर देखने को मिल रही है, इसीलिए ये वीडियो भी बनाना इतना ज्यादा आवश्यक हो गया था। देखने को मिलेगा कि यहां से ये कहा जा रहा है एक अभ्यर्थी के द्वारा कि सर, आपसे एक संस्थान का नाम लिखा हुआ था और ये कहा गया था कि सर, आपसे इससे बात होती है क्या? मैं रोहित मिश्रा आगरा से हूं और मैंने नोट्स परचेस किया था, इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। गुरुदेव, आप मेरी मदद करें, मेरे लिए एक एक रुपया बहुत है। सारी चीजें आप देख सकते हैं कि योगेश सर, मैं आपका वीडियो सालों से देख रहा हूं। तो इस प्रकार की चीजें हैं, और ये एक दो छात्रों के द्वारा नहीं, हजारों छात्रों के द्वारा इस प्रकार के मैसेज आते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप जो है कहीं पर भी जो है यूट्यूब हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी जो है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप अगर उस पर किसी का भी कोई कंटेंट खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप ये तो जरूर जो है देख लें कि वो व्यक्ति काबिल है या फिर नहीं। आप जिस चीज को लेकर के नोट्स उससे खरीद रहे हैं, क्या उसने उस पर सक्सेस हासिल की है, क्या वो व्यक्ति खुद सफल हुआ है कभी या फिर नहीं, तभी आप किसी पर भरोसा करिए। वरना किसी पर आज के समय सोशल मीडिया पर विश्वास करना बिल्कुल भी जो है गलत है, विश्वास करना सही नहीं है। वही दूसरा कमेंट देखने को मिलेगा कि सर, मैं और यहां पर संस्थान का नाम लिखा हुआ था जो कि मैंने हटा कर रखा है। यह कहा गया है कि सर, मैं अपने लिए और अपने चाचा के लिए नोट्स खरीदी थी और नोट्स नहीं दिए, नंबर ब्लॉक कर दिए। एक और जो है शख्स के द्वारा यहां से देखने को मिलेगा कि नंबर ब्लॉक कर दिया, नोट्स नहीं दिया, 1000 रुपया ले लिया, 600 रुपया ले लिया। तो मैं आपको जो है इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना आवश्यक समझा, क्योंकि ये कई सारे अभ्यर्थियों की बात है। और देखिए, यही कोचिंग संस्थान नहीं, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, आप उससे कोई भी कंटेंट तभी परचेस करें जब आप उस पर विश्वास हो आपको, और आपको उसकी काबिलियत पर शक ना हो। वो आदमी अगर सक्सेस है, सफल है उस क्षेत्र में, जो अपना नोट्स जो है खुद माने जो है पढ़ करके धक्के खा रहा है, कभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आपका सिलेक्शन कैसे करवा सकता है? तो इन सब चीज़ों से बच कर रहो। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है आप सभी छात्रों से, परीक्षा सर पर है, इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहो।